मैंने सुना प्यार में दिल के घंटे बजता, तुमको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रही है, लेकिन ये दिल की घंटी नहीं मोबाइल की घंटी है। इंटरप्शन इंटरप्शन, ये तो बार बार इंटरप्शन रे। अबे गधे फोन क्यों उठाता? देख तू मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता, बहुत डिस्टर्ब करता, तू खाली फोन रख रहा। ओह नो, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं कुट्टी, मैं ये साफ करके आती हूं। आना आना राजू, डेविल तेरे को क्या प्रॉब्लम रे? तू गीता से प्यार करता बेटर, वो डिस्टर्ब किया कहीं भी दिखाई दे तो मेरे काले में इससे दूर रहे और तुरंत पुलिस को सूचित। क्या बोलने का बोल मेरे को। हमारे फोन नंबर्स हैं 333। कुट्टी तेरे को बोला था ना घर के बाहर ही निकलने को, तू क्यों बाहर निकला? क्यों नहीं निकलने का, मैं किससे डरता क्या रे? ये सिटी में कर्फ्यू लगा रे। कर्फ्यू समझ ले, पूरी पुलिस फोर्स मुझे ढूंढती फिर रही है। पूरा पुलिस फोर्स मेरे को ढूंढ रहा है कहीं के लिए? वो तुझे पकड़ना चाहती है, गिरफ्तार करना चाहती है। ओ मेरे को गिरफ्तार करने के लिए मेरे क्या भाई, बैठो बैठो, रे आपस की बात है, काहे को मेरे गिरफ्तार करेंगे? हाथ लगा के देखने दे मेरे, धज्जे उड़ा देंगे मई। क्या मैं किसी का खून किया रे? एक नहीं गधे, दो दो खून। यार कि मैं एकदम खतरनाक किलर है तो पुलिस के पास मेरा कोई सबूत भी होएंगे ना? हाँ है ना, एक चश्मदीद गवाह, आई विटनेस। आई विटनेस है? अच्छा कौन रहे वो ग्रेट आदमी, कौन रहे? बोल। वो भला आदमी मैं हूँ मैं। तूने मेरे को देखा मर्डर करने के टाइम पे? क्या जोक करते रहे तू? कुट्टी कुट्टी मैं जोक नहीं मार रहा मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूँ। एक सच तू भी सुन रहे, अभी जल्दी फोन रख देने तो मैं तेरा भी खून कर डालेगा। रख फोन तो। कुट्टी सारे ने फिर फोन काट दिया। मई मर्डर, मई बहुत बड़ा मर्डर। आपको जरूर जरूर कौन सा पिक्चर है? क्योंकि ये इस देश का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है। आप हमारे फोन नंबर फिर से नोट करें, 333-1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 
से कोई नहीं रोक सकता और आपकी कोई जालसाजी नहीं चलेगी, समझ गई ना? ओके ओके राजू, तुम जाओ, बेशक जाओ। थैंक यू। लेकिन जाने से पहले अपनी वर्षा को एक गुड नाइट किस तो दे जाओ। नहीं गीता जी, देखो आप लोग गलत फहमी हो गया, आप लोग डरने के नहीं, मैं कूड़े नहीं हूँ, देखिए मैं सीधा आदमी हूँ, मेरे एक छोटा होटल है भोटी एरिया में। देखो आप लोग मेरे को छोड़ेंगे ना तो ये चाकू भी छोड़ दूंगा मैं, सच्ची बोलता हूँ, चिल्लाने के नहीं, मार दूंगा मैं नहीं मारेगी तुमको, आप लोग काय को डरा हुआ है, मैं आप लोगों को ज्यादा डरा हुआ है। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं खून ही नहीं हूँ सर। चुप, हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुझे खून करते हुए देखा है। कौन? राजू। राजू 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 राजू, ये कौन सा बदला लिए रे तुम ऐसे? ए राजू, राजू 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 रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। रुको, I will shoot you, रुक जाओ, रुको, रुक जाओ। राजू, मेरा इंटरव्यू दिए बगैर तुम कहीं नहीं जाओगे, कल के बाद तुम जियो या मरो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे भी आपकी कोई परवाह नहीं। गीता जी, ये तो बम था, कोई हम दोनों को उड़ा देना चाहता था। गीता जी, आपका तो खून निकल रहा है गीता जी,
इसका मतलब ये लोग तुम्हारा मुंह किसी भी कीमत पर बंद कर देना चाहते हैं। और अगर तुमने भागने की कोशिश न की होती तो हम दोनों इस बॉम्ब के साथ उड़ गए होते। मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मेरा विश्वास करो साहब। मैं आज तक कॉकरोच नहीं मारा। आदमी को कैसे मारेगा साहब? आपको कोई भटकाया? रोकड़े ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको थोड़े झटके देने पड़ेंगे। इसको मेरे रूम में लेके आओ जल्दी। ओके सर। रोकड़े। यस सर। इसका पहले तुम पे ट्राई करते हैं। लो पकड़ो। सर ट्राई क्या करना है सर? नहीं नहीं बहुत जबरदस्त है ये, डायरेक्ट इस पे ट्राई करो। रोकड़े। जी। मेरी ऑर्डर ना मानने की हिम्मत कैसी की तुमने? सर ये पकड़ो। यस। कितने मर्डर किया तुमने? कुटी देखा ना, है ना जबरदस्त, है ना डंडे की कमाल। यस। आपने भी मर्डर किया होगा ना सर? चार कहाँ? डॉक्टर में। अरे ये कोई बिजली बंद करो। अरे किस उल्लू के पट्टे ने ये करंट ऑन किया? सर आपने कहा था यस तो मैं यस। यस उल्लू के पट्टे काम रहे, तू खड़ा रह जा, चल हट। कुट्टी अब पकड़िए डंडे और देख कमाल 440 वोल्ट का, एक मिनट में सारे मर्डर बाहर आ जाएंगे। मैं सब कबूल करता। तो बता कातिल तू है या नहीं? मैं कातिल हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर है, मैं सीरियल किलर है। कितने मर्डर किया तुमने? मैं 5 मर्डर किया। 5? अभी 5वां मर्डर करने के। है? किसका? मेरा वो मतलबी दोस्त का, जिसने मेरे को इधर फंसाया। मेरे को 1 घंटे का टाइम दो सर। मैं उसका मर्डर करके अभी आते सर। 1 घंटे का टाइम दो, आप मेरे को बोले यस यस। मैंने ऐसे बोला रे, करंट बंद कर रे। ये राज को मैं छोड़ूंगा नहीं, डे राज तेरे को मां। अबे तेरा बाप आया तेरे को मिलने के वास्ते। अपा अपा नहीं, उसको बोलो वापस जाओ। बोलो मैं मर गया, पागल हो गया भाई। बोलो चिड़िया बन के उड़ के गया। बोलो यार बोलो। बाप तिलक बेटा कातिल। शट अप यू रास्कल। वामर सॉरी कन्ना। मैडम कन्ना मैडम इधर देख। पारप्पा इन्हें मुंह अड़चिरकप्पा। मैडम कुत्ता छेदार मैडम फूल सब बच्चा मत्रो। ये मेरा बाप का आवाज तो नहीं? बाल वर्षा तेरी रिहाई का इंतजाम कर रही है। शिंदे साहब ये सब के सब वो कस्टमर हैं जो खून के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद थे, और इन सब का यही कहना है कि 1 से 2 बजे के बीच कुट्टी अपनी जगह पर मौजूद था। तो फिर वो खून कैसे कर सकता है सर? हमारे पास चश्मदीद गवाह है जिसने खून अपने आँखों से देखा है। 1 मिनट मिस्टर संडा। क्या है? मैनेजर ये क्या है? आपको याद है पिछले हफ्ते मिस्टर झुनझुनवाला का मर्डर हुआ था? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। क्या मर्डर था सर? खूनी का अभी तक कोई पता ही नहीं है। आपको पता उस खूनी का भी एक चश्मदीद गवाह है। चश्मदीद गवाह? हाँ? कौन है? माय तुम और खूनी कौन है? आप मैं आप सर। चुप। मैं कैसे खूनी हो सकता हूँ? जब झुनझुनवाला का मर्डर हुआ तब मैं थाने में बैठा हुआ था। करेक्ट बिल्कुल करेक्ट। उसी तरह जब मिस्टर देसाई का मर्डर हुआ था ना तो अपना कुट्टी रेस्टोरेंट में बैठा था। इसीलिए जैसे आप खून नहीं कर सकते
तो कुट्टी भी खून नहीं कर सकता, एम आई राइट? बिल्कुल ठीक सर, केस सॉल्व हो गया। या, कुट्टी कम हियर, तुम घर जा सकते हो। कुट्टी, तेरे को याद है मैंने तेरे को लिफाफा दिया था, तूने उसे पोस्ट नहीं किया ना? जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तेरे से बदला नहीं लेता, मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा, जा। ए कुट्टी, बस कुट्टी बस, अब मुझे और ज्यादा टॉर्चर मत कर यार, सिर्फ इस बार मेरी मदद कर दे, इसके बाद तू जो कहेगा ना मैं करूंगा। चले तू मेरे लिए कुछ नहीं करने वाला है, चल। क्या बात कर रहा है कुट्टी, मैं अपनी जान दे दूंगा तेरे लिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, तू तो मेरा दोस्त है यार। प्रॉमिस। प्रॉमिस कुट्टी, सिर्फ ये बता दे वो लिफाफा कहाँ है जो मेरी कोट की जेब में था? वो उधर ही है जिधर होना चाहिए। किधर? धोबी के पास। धोबी? कौन सा धोबी, कहाँ मिलेगा? धोबी घाट में, मुंगेरलाल भंगड़ी के पास, वो भी तेरे तकदीर से कपड़ा भट्टी में नहीं डाला हुआ तो। भट्टी? कुट्टी तूने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? भंगेरी लाल भंगेरी, असली फ्लॉपी उसके पास है। चलो धोबी घाट, चलो धोबी घाट, रोकड़े जीप निकालो। अरे भाई साहब, कहाँ भंगेरी लाल कहाँ मिलेगा? अरे कौन मुंगेरी लाल, नागपुर वाले, कानपुर वाले, जौनपुर वाले, इलाहाबाद वाले, पटना वाले, यह पांच पांच ठो मुंगेरी लाल है। माय गॉड, पांच? हाँ, छठा भी है बिजनौर वाला, वो अभी छुट्टी पे गया है। अरे वो जो होटल के कपड़े धोता है वो? अरे कौन होटल भाई, फाइव स्टार है, फोर स्टार है, थ्री स्टार है, आलतू फालतू है? आलतू फालतू बोलने का नहीं, शर्मा होटल, शर्मा होटल बोल। कभी ना स्टार बोलिए ना, वो है गंगेड़ी मुंगेरी लाल, आलतू फालतू का कपड़ा वही धोता है। आलतू फालतू नहीं, सनमान होटल। ए कुट्टी, कुट्टी होटल का ड्रेन है, हल्का का दूध हो, सनमान बोलना। केतु मुंगेरी लाल भंगेड़ी, चलो रोकड़े। यस सर, फॉलो मी। जी सर। एक मिनट रोकड़े। यस सर। मुझे पहले ये बता कि हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं सर? वो वेरी गुड सर। यस, अच्छा सवाल किया सर आपने। हाँ। बहुत अच्छा सवाल किया सर। यस सर, मैं एक मिनट पता लगा के आता हूँ। बस वैसे हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? 500 करोड़ गधे, 500 करोड़ गधे तो पूरी दुनिया में भी नहीं होंगे बॉस। मंगल, गधा तो तू है, वो फ्लॉपी जिसके अंदर 500 करोड़ की जानकारी है। थैंक यू मंगल। ये कौन है? कौन है तू? कौन है? आए, कोई नहीं। ये तू क्या कर रहा है कुट्टी? मैं यहाँ चेक कर चुका हूँ। मैं डबल चेक कर रहा हूँ ताकि दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं, मालूम? बेवकूफ, टाइम मत वेस्ट कर, तू वहां से चेक कर, मैं यहाँ चेक करता हूँ। ओके। रोकड़े सर, मुझे एक बात बता। क्या? इतने सारे रुपए कोई धो के निचोड़ के सुखाने के लिए थोड़े ही रखेगा? सर दूसरी बार इतना अच्छा सवाल किया है आपने, लेकिन इसका जवाब है मेरे पास। क्या है? सर उन रुपयों की जानकारी एक फ्लॉपी में है। फ्लॉपी? मिल गई, मिल गई, मिल गई रे फ्लॉपी, मिल गई रे राजू। अबे गधे, ये फ्लॉपी नहीं, रेलवे पास है। कुटी, मुझे लगता है यहाँ कोई और भी है, तू जल्दी से फ्लॉपी ढूंढ। राजू, क्या है? मुंगेरी लाल का चाचा रे, आजा। चाचा, मुंगेरी लाल किधर है? उसे हमारे कपड़े में कुछ मिला? कुछ मिला तो है, उसने अपने पास संभाल के रखा है। पर वो है कहाँ? वो शादी में गया हरिराम की मंजीरा बजाने के लिए। मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा। कुट्टी भाई, नहीं तो हमारा मंजीरा बजेगा। चाचा, मंजीरा, मंजीरा। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। अरे रोक,
पकड़ो पकड़ो ले जाओ शराफत से बता दे उस लिफाफे में कहाँ का एड्रेस था जो तूने चलती हुई पोस्टल वैन में डाल दिया था। एड्रेस पढ़ने को टाइम का मिला, मैं तो जान बचाए भाग रहा था। ये वेटर ऐसे नहीं बताएगा, मार उसको। एक और, दो और, चार और। ओह माय गॉड, केतु रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? डोंट वरी भैया, अभी सब कुछ बता देगा ये, मारो इसको। अरे नहीं बेवकूफ, ये हमारी हुंडी है, 500 करोड़ रुपए का बैरर चेक। अगर ये मर गया तो हमें क्या मिलने वाला है? ठेगा, छोड़ दो इसे, और इसे कोई छुएगा नहीं। अब तुम मुझसे सीखो कैसे बात उगलवाते हैं। राजू राजू राजू, एड्रेस तो तुमने पढ़ा ही होगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि तुमने एड्रेस नहीं पढ़ा, क्यों ब्रदर? पढ़ा था। देखा, मैंने सही कहा था ना। राजू, अगर एड्रेस तुमने पढ़ा ब्रदर तो हमें बता दो, सारा झगड़ा खत्म। मैं इतना बेवकूफ नहीं ब्रदर, एड्रेस बताते ही आप तो मुझे मार डालेंगे। नॉट एट ऑल, आखिर तुम चाहते क्या हो? अपना हिस्सा। हिस्सा मतलब? मतलब मैं आपको उस फ्लॉपी तक ले जा सकता हूँ। ओह, लेकिन उस 500 करोड़ में से मुझे कितना मिलेगा? तुझे मिलेगा बाबा जी का प्रसाद, तेरी ये मजाल। प्यार से केतु, प्यार से। राजू, हम तुम्हें 5% देंगे, 10%। ओ मंजूर, तो हम पार्टनर हैं। अब बताओ पार्टनर की अभी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बैंगलोर। बैंगलोर, ओ बैंगलोर, चलो। अब क्या हुआ? मेरी एक और शर्त है। शर्त? बहुत अच्छे केतु, वेल डन। कौन सी शर्त? जाने से पहले मैं किसी से मिलना चाहता हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। जरूर, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट क्या, 6 मिनट के लिए मिल लो, लेकिन मेरे लोग तुम्हारे साथ आएंगे। जल्दी मिलना अपनी छमिया से, चल जा। गीता जी, कैसे हैं आप? झूठे तो तुम थे ही, अब माफिया के साथ भी हो गए? नहीं गीता, मैं इनके साथ नहीं, मैं इनकी कैद में हूं। इन्हें वो फ्लॉपी चाहिए जिसमें 500 करोड़ रुपए की जानकारी है। अच्छा, इन 500 करोड़ में तुम्हारा कितना हिस्सा है? बताओ कितने में बेचा है तुमने अपने आप को? 10% में। क्या ये सच है राजू? देखो गीता, इस वक्त हमारे पास वक्त नहीं है। फ्लॉपी पोस्ट करने से पहले मैंने एड्रेस याद कर लिया था, देसाई फूड एक्सपोज, पंजिम, गोवा, लेकिन मैंने सबको झूठ बोला है, बैंगलोर। इसलिए तुम फौरन गोवा जाओ और उस फ्लॉपी को हासिल करो, तब तक मैंने भटकाता हूँ। और अगर इन्हीं तुम्हारी झूठ का पता चल जाएगा तो? झूठ बोलूंगे सच, ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। तुम इसी लायक हो। तुम अभी मुझे नाराज हो कि जब मैंने जो कुछ किया अपने प्यार के खातिर किया, और अभी जो कुछ कर रहा हूँ अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। मेरी जिंदगी की दुआ दे रही हो या मेरी मौत की? जो चाहे समझ लो, I don't care. Goodbye. चलो मजनू, तेरी लैला तो चली गई। चल।
राजू राजू जल्दी रुको 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 हाँ अरे गधो मेरे 500 करोड़ की हुंडी है वो पकड़ो अरे उधर ही गाड़ी में पीछे चलो देखो मिस्टर मैंने सिर्फ काम की वजह से तुम्हारी जान बचाई है कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना समझे समझ गया गीता जी बिल्कुल समझ गया लेकिन साला ये दिल है कि मानता ही नहीं आपका मान जाता है गीता जी कोई दिल विल नहीं हम दोनों सिर्फ गोवा तक साथ हैं काम खत्म होते ही तुम्हारा रास्ता अलग मेरा रास्ता अलग देखिए गीता जी इस वक्त आप गुस्से में इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा बिल्कुल हूँ गुस्सा और क्यों ना हूँ एक मामूली से वेटर ने ये कैसे सोच लिया कि मैं उससे प्यार कर सकती हूँ सॉरी सॉरी गीता जी सॉरी आप मत कीजिए मुझसे प्यार लेकिन मैं तो अपने आप को नहीं रोक सकता क्यों नहीं रोक सकते तुम्हें क्या हक है मुझसे प्यार करने का हक की बात मत कीजिए गीता जी ये दिल का मामला है और दिल को कोई नहीं रोक सकता अरे दिल की ऐसी की तैसी मैं तुम्हें रत्ती भर प्यार नहीं करती मत करो प्यार यार मत करो किसने बोला प्यार करने को लेकिन हम तो मोहब्बत करेगा और करेगा मतलब करेगा फिनिश ब्लडी फूल ओए कुड़िये आगे देख शेमलेस रफियन रोड साइड रोमियो जी करता है अभी गाड़ी से उतार दो अब क्या करेंगे गाड़ी भगाओ और कुछ नहीं कर सकते ये तो जंगल के अंदर घुस गए इतना घना जंगल यहाँ पर ढूंढना बड़ा मुश्किल है लगता फिर से भैया से चांटा खाना पड़ेगा वो चले गए वो है नहीं अभी आप तो ऐसे चलाइए ना प्लीज हाँ। हाँ। लगता है हम भी कहीं खो गए पता नहीं हाईवे कहाँ है यही कहीं होगा गीता जी यही कहीं किस तरफ ये साला पोस्टमैन भी अभी तक फ्लॉपी लेकर नहीं आया अरे ये तो वो है देसाई का भाई आनंद वो आ गया जाओ भाई इसकी देर कर दी हाँ ये भाई तुम सब लोग चौकन्ने हो जाओ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ए, ध्यान से सुनो तुम सब लोग हमारी शिपमेंट 2 घंटे में निकलेगी 2 घंटे में सारा सामान पैक करो और लोड कर दो कम कुछ गड़बड़ है चेक करो अरे अरे
भरत 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 केस कहा गया 500 करोड़ के हीरे अकेले हजम कर जाओगे? ओ 500 करोड़ के हीरे तुम्हारे पास? अच्छा? और हजम मैं कर जाऊंगा। जल्दी से हीरे निकालो वरना वरना सॉरी बॉस, मंगल का फोन। कहो मंगल, क्या बात है? बॉस, गीता और वो वेटर राजू यही गोवा में है और हीरे राजू के पास है। अच्छा, उन पे कड़ी नजर रखो, वो हीरे लेके जाने न पाए। हेलो रोहित, रोहित मैं गीता बोल रही हूँ। गीता, ओह माय गॉड, व्हाट अ रिलीफ। गीता कहाँ हो तुम? गोवा से बोल रही हूँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। रियली कांग्रेचुलेशंस। क्या हीरे तुम्हें मिल गए? और नहीं तो क्या, और ये सब कुछ राजू की वजह से हुआ है। राजू, क्या वो अब भी तुम्हारे साथ है? देखो गीता, वो भरोसे का आदमी नहीं है, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। नहीं रोहित, राजू ने ये सब कुछ मेरे लिए ही तो किया है, वो मुझे धोखा क्यों देगा? गीता गीता प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, राजू वो नहीं है जो बाहर से दिखाई देता है। गीता, वो हीरे तो तुम्हारे पास ही है ना? हेलो राजू। हेलो गीता। राजू राजू, एक्सक्यूज मी, आपने एक लड़की को देखा है ब्राउन जैकेट में? राजू राजू रुक जाओ, राजू राजू लेकर आओ इनको। राजू चल, राजू चल, इससे क्या रे? हीरे तुम्हें मिल चुके हैं, इन्हें जाने दो। जाने दो केतु, जाने दो इन्हें, लेकर जाओ इनको। राजू ये सब क्या रे? काय को किया है सब? अपने इज्जत, अपना मेहनत, अपना प्यार, सब कुछ कुर्बान कर दिया रे। अरे मरने दे रहे थे हम लोगों को, कम से कम ये कुत्ते लोगों को पास कर दे। अच्छा नहीं किया तू राजू, भाग ले तू, काय करे तू? अब हां भाग ले, चल चल चल। ए मैं तेरे को माफ नहीं करेंगे रे। नहीं गीता, नहीं, मत रो गीता, प्लीज मत रो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लाऊंगा, आई प्रॉमिस। सच रोहित? हाँ, मैं तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा गीता। निकल बाहर, चल चल, ये वही जगह है जहाँ तेरे दोस्त गुल मोहम्मद को मारा था, अब तेरी बारी है। ये बहुत सारे कंकाल मिलेंगे, दोस्ती कर लेना उनसे। किधर गया ये? ढूंढ लो इसको, उधर देखो, देखो साले को, बचने ना पाए वो। बेंच के पीछे देखो, बेंच के पीछे देखो, बेंच उधर है, वहां देखो।
सॉरी गीता, टेप खत्म हो गया था, बात अधूरी रह गई। पुलिस में जाने से पहले मैं तुम्हें एक खास दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। यह है सादिया, गुल मोहम्मद साहब की बेटी। इस लड़ाई में हर कदम पर इसने मेरा साथ दिया है। हाय गीता, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता है और मैं भी। तुम अपनी बहन से बात करो, मैं देख कर आती हूँ। ओके। बहुत तेज लड़की है, पसंद है ना तुम्हें? कुट्टी, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। तूने सब कुछ करके देख लिया ना, उसको इतना सारा फोन किया, उसको ऑफिस में किया, वो तेरा शक्ल देखना नहीं चाहती, कल उसका मंगनी है। राजू, अभी तू उसके बारे में सोचना छोड़ दे। कुट्टी, मेरे मिलने की वजह कुछ और है, मैं उसके भाई के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए उससे मिलना बहुत जरूरी है। राजू, कैसा कैसा? अभी कोई चांस मेरे को दिखता नहीं। कल उसकी मंगनी की पार्टी है ना? हाँ। उसकी केटरिंग कौन कर रहा है? महादेवन। तू उसे जानता है? मेरे दोस्त है वो। बस कुटी, मुझे किसी भी तरह वहाँ वेटर बना के भेज दे, बाकी मैं संभालूंगा।